तो शी हल्क, एको और सीक्रेट इन्वेजन जैसे शोज में नॉट सो गुड फीमेल सुपर हीरोज को ग्लोरीफाई करने के बाद मार्वल इज बैक अगेन विथ दी मार्वल्स। तो कहानी शुरू होती है दूर कहीं यूनिवर्स में किसी रैंडम प्लेनेट पे, जहाँ पे मूवी की मेन विलन दया बेन मतलब दारबेन को ये कंगन मिला है, जिसे पहनते ही इसे ऑर्गेज्म आने लगा। एंड मीनवाइल न्यू जर्सी में कमाला खान कैप्टन मार्वल के लिए कॉमिक बुक ड्रॉ कर रही है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है ना। अब कैप्टन मार्वल के रियल लाइफ में तो कोई फैंस है नहीं। और तभी उसकी चूड़ी चमक गई। दूसरी तरफ स्पेस में कैप्टन मार्वल सपने में अपनी फर्स्ट मूवी को रिवाइंड कर रही है। एंड सिंस वो मूवी इतनी बुरी थी कि ये सपना देखकर कैप्टन मार्वल की गांड फट गई। एंड नाउ उसे कॉल आता है निक फ्यूरी का, जिसने बताया कि जंप पॉइंट की एनर्जी ओवरलोड हो रही है। और बस कप्तान मार्वल वो पोर्टल चेक करने पहुंच गई। अच्छा, फिर जैसे ही उसने उस पोर्टल को टच किया, उसी वक्त मोनिका ने भी दूसरे जंप पॉइंट पर हाथ लगाया और इन तीनों की उल्टा पुल्टी हो गई। कौन है, क्यों है? ये भी है एक सुपर हीरो भाई, देख लो चुपचाप। तो ये सब का लॉजिक ये है कि जब भी ये तीनों अपनी पावर्स यूज करती है, अपनी जगह स्वैप कर लेती है। हमको नहीं पता। इसलिए अब कैप्टन मार्वल दारबेन को ढूंढने निकल चुकी है। निकल लोड़ियाँ। पर यहाँ पर दारबेन स्क्रल्स के साथ सौदा करने आ चुकी है। हमको ज्वाइन कर लो। मैं क्या करूँ? एंड सिंस यहाँ पर इन तीनों की उल्टा पलटी चल ही रही थी, जिसके साथ में थोड़ी बहुत मारामारी भी हो गई। मार डाला रे। जिसके बाद हमारा एक आंख वाला निक फ्यूरी और मोनिका मिस मार्वल के घर पहुँच गए। मुझे तो पता ही नहीं था। एंड सरप्राइज सरप्राइज, कैप्टन मार्वल भी यहाँ आ चुकी है। फिर मिस मार्वल ने अपनी पावर्स यूज करी और वो पहुंची हवा में। फिर उसे बचाने गई मोनिका, वो भी हवा में। तो अब ये दोनों हवा में हैं और ये नीचे गिरे। शुक्र है कैरन। कैसा लगा मेरा मजाक? सो फाइनली इन तीनों का टीम अप हुआ और ये लोग पहुंच गए विलन को मारने। एंड सिंस विलन का भौकाल सेट करना था, तो ये तीनों उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई। फिर होना क्या था, उसने स्क्रल्स का प्लेनेट खत्म कर दिया और ये लोग बचे हुए स्क्रल्स को लेकर यहाँ से भाग गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? भले ही एंड गेम में कैप्टन मार्वल थैनोस से अकेले लड़ चुकी है, और यहाँ पर वो इस चूड़ी चमकीली को नहीं हरा पा रही है। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा। और अब ये है प्लेनेट हाला, जहाँ से दारबेन ने कोरोना वायरस हटा दिया। अबे साले, अरे मेरा मतलब था कि स्क्रल्स के प्लेनेट से हवा चुरा कर हाला को दे दी। बहनचोद, ऐसा भी हो सकता है क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड मीनवाइल यहाँ पर कैप्टन मार्वल और मोनिका ने अपने गिले शिकवे मिटाए। तुमने कहा था तुम जल्दी ही लौटोगे। अच्छा, इन शॉर्ट ट्रेंडी रोना किया। तुम्हारी आस में आसमान को देखती थी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसके बाद ऑब्वियसली तीनों की बॉन्डिंग हुई और फिर इन्होंने दारबेन को पकड़ने का प्लान बनाया। पर तभी निक फ्यूरी मिस मार्वल की फैमिली को स्पेस में ले आया। हमको कुछ नहीं पता। एंड नाउ इन तीनों ने अपनी पावर्स को साथ में यूज करने की प्रैक्टिस की, ताकि दारबेन को हरा सके। एंड सिंस अब ये लोग मिशन पे है, तो अलादीन प्लेनेट पे पहुँचे। आई मीन अलादना प्लेनेट, क्या क्या बोलता रहता है। तेरा ना झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, फुल सनक गई है तेरी। और भाई ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर सब लोग गाना गाकर बात करते हैं। और फिर आया इस प्लेनेट का BTS से उठाया हुआ प्रिंस, जिसके साथ कैप्टन मार्वल ने शादी कर रखी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री हुई दारबेन की, जिसकी नजर पड़ी कमाला के बैंगल पे। एकदम कड़क माल। और दारबेन ने पोर्टल खोलकर इस प्लेनेट का पानी चुराना शुरू कर दिया। शक्ल से ही चोर लगता है। जिसके बाद ये तीनों सुपर हीरोइन क्या करेंगी? क्या 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 क्या? अपना शिप लेकर यहाँ से भाग गई। क्या सुपर हीरो बनोगे रे तुम? लेकिन एक सेकंड, कैप्टन मार्वल का प्रिंस या उसका सो कॉल्ड दोस्त उसी प्लेनेट पर रह गया, पर ये उसे बचाने भी नहीं गई। बेंचो क्या चल रहा है ये? ब्रह्मांड में इसके अलावा और भी कई प्लेनेट्स हैं, और उन बेचारों की किस्मत में तुम नहीं थे। एंड मीनवाइल निक फ्यूरी के स्पेस स्टेशन सेबर पे धमाके होने लग गए, इसलिए अभी इन सभी लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और उसी वक्त कहानी में एक ट्विस्ट आया कि इन लोगों के एलियन बिल्ली गूस के बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। और ये सब कम था कि ये बिल्लियाँ अब इन सभी लोगों को खा जाएगी, ताकि ये लोग यहाँ से बच सके। What?
चलो ये सब जो भी हुआ, इसके बाद ये तीनों सुपर हीरो विलन से लड़ने चली गई और निक फ्यूरी मिस मार्वल की फैमिली को अभी तक बेबी सिट कर रहा है। भाई इस बंदे ने अवेंजर्स की टीम बनाई थी, ये क्या कर रहा है इस मूवी में? साले मजाक बना के रख। और अब इन चारों की फाइटिंग शुरू हुई, उसी बीच दारबेन ने कमाला का बैंगल छीना। 12 seconds later. जैसे ही उसने इनकी पावर्स का यूज करना चाहा, उसका पटाखा बन गया। एंड सिंस ये लोग सुपर हीरोज हैं तो कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा ना, तो मोनिका ने उस पोर्टल को बंद किया और दूसरे यूनिवर्स में फंस के रह गई। फिर बच्ची मिस मार्वल पहुंची अर्थ और कैप्टन मार्वल ने हालांकि सूरज को लाइट दे दी, पर बहन जब तू ये कर सकती थी तो ये पहले ही कर लेती, हमको इतनी बकचोदी नहीं झेलनी पड़ती इस मूवी में। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद मिस मार्वल की फैमिली को मिला नया घर और वो यंग अवेंजर्स बनाने के लिए केट बिशप को लेने पहुंची। ज्वाइन करोगी तुम प्लीज? और मूवी खत्म। दी मार्वल्स। चलो भाई। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी देख के जाओ। अबे क्या मॉम मॉम, बहन तू दूसरे यूनिवर्स में है, ये तेरी माँ कैसे हो सकती है? उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या, दिमाग खराब है तेरा? एंड फाइनली ये मास्टरपीस मूवी खत्म। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप मेरे चैनल पे डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जैसी मूवीज का भी रिकैप चेकआउट कर लेना, और चाहो तो बॉलीवुड मूवीज का भी रिकैप हमने बना रखे हैं, उन्हें भी जरूर देख लेना। बाय बाय।